रेकी एनर्जी को कैसे पहचाने, या डिवाइन एनर्जी को कैसे पहचाने, या एंजल्स को कैसे जाने समझे और फील करें, इसके बारे में मैं आपको आज सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि जब आप यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी को, उस यूनिवर्सल एनर्जी को फील करने लग जाते हैं और समझने लग जाते हैं, उसे पहचानने लग जाते हैं, उसके साथ अपना एक रिश्ता जोड़ते हैं, तो पता है क्या होता है आपके साथ? आपके साथ हर वो चीज़ होती है, आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ आने लग जाती है, प्राप्त होने लग जाती है जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, प्योर एनर्जी के साथ में अपना एक रिश्ता डेवलप कर लिया है। रिश्ता डेवलप करने से मतलब ये है कि दिस इज प्योर एनर्जी, यानी कि नेचुरल एनर्जी है, और उस नेचुरल एनर्जी के साथ में आप नेचुरल रिलेशन डेवलप करते हैं। नेचुरल रिलेशन डेवलप करने से मतलब हो गया कि सोल कॉन्शियस से यूनिवर्स की एनर्जी को फील कर पाते हैं और आपका नज़रिया चेंज हो जाता है, आपका नज़रिया ट्रस्ट से भरपूर हो जाता है, विश्वास से भरपूर हो जाता है, आपके नज़रिया में विश्वास आ जाता है, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहता है, इसलिए आपका एनर्जी के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, लॉ ऑफ नेचर के साथ में एक प्योर रिलेशन डेवलप हो जाता है, रिश्ता बन जाता है, गहरा रिश्ता बन जाता है और आप नेचुरल हो जाते हैं। जब आप नेचुरल हो जाते हैं तब आपकी हर विश पूरी होती है। आपकी हर विश कैसे पूरी होगी? आपकी हर विश पूरी होने का मतलब ये हो गया कि आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो धन दौलत हो या रिश्ते हो या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो, या आप कोई लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो, या घर मकान, या सुख शांति खुशियां धन दौलत सफलता, ये सब आप पाना चाहते हैं, या अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, बीमार शरीर को ठीक करना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति से अपना मनचाहा काम करवाना चाहते हैं, वो सब काम होने लग जाते हैं। कारण कि आप नेचुरल हो जाते हैं। जब आप नेचुरल हो जाते हैं तो आप अपने आप से जुड़ जाते हैं। अपने आप से जुड़ने का मतलब हो गया कि यूनिवर्स की उस प्योर एनर्जी से जुड़ जाते हैं और यूनिवर्स की एनर्जी को आप फील करना शुरू कर देते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से दबा लीजिए, बस एक मिनट में इन 10 उंगलियों को ऐसे करके दबा लीजिए। सिर्फ एक मिनट का टाइम लगेगा, अभी प्रयोग कीजिए इसको और अभी एनर्जी फील कीजिए। इस पाम में यहाँ पे दबा लीजिए, क्योंकि ये सब चक्र हैं और यहाँ की एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गई इतनी देर में। और दोनों हाथों को आपस में लेकर आइए, अपना ध्यान इन उंगलियों के ऊपर रखिए, दोनों हाथों को पूरी तरह फ्लैक्सीबल रखिए, फ्लैक्सीबल, एकदम फ्लैक्सीबल, रिलैक्स रिलैक्स, पूरा ध्यान यहीं पर लेकर आइए और देखिए धीरे धीरे आप थोड़ा सा पास और नज़दीक दोनों हाथों की उंगलियों के लिए। अब देखिए मेरे हाथों में मैग्नेटिक पावर जनरेट हो गई है, यानी कि चुंबकीय शक्ति का विकास हो गया, जन्म हो गया, डेवलप हो गया, जनरेट हो गई, यानी कि जो एनर्जी हमारे हाथों से निकलती है उस एनर्जी में मैग्नेटिक पावर होती है। मैग्नेटिक पावर होने का मतलब है कि जब आप दोनों हाथों को आपस में पास में दूर लेकर जाते हैं धीरे धीरे, तो खिंचाव होना शुरू हो जाता है। ये खिंचाव ही एनर्जी है दोस्तों, एनर्जी एनर्जी ऊर्जा, जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम, जो ऊर्जा हमें जीवन दान देता है, जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी से हम जिंदा हैं, इस समाज की, इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की हर चीज जीवित है, हर चीज चल रही है, वो जीवनदायिनी ऊर्जा, वो जीवनदायिनी शक्ति, वो एनर्जी हमारे हाथों से फ्लो होती है, जिसे हम रेकी एनर्जी कहते हैं। और दर्द वाले जगह पे हम दोनों हाथों को रखते हैं शक्तिपात कराने के बाद, ट्रेनर से, रेकी ट्रेनर से शक्तिपात कराने के बाद, यानी कि एनर्जी को आपने कनेक्शन करवा लिया, कनेक्शन कराने के बाद, शक्तिपात कराने के बाद, आप अपने दोनों हाथों की एनर्जी को फील करके आप रेकी देंगे, वहाँ पर मतलब एनर्जी डालेंगे। ये प्योर एनर्जी, दिस इज प्योर एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, दिस इज नेचुरल एनर्जी, इसे आप जब डालेंगे उस दर्द वाले पार्ट पे तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। कैंसर वाले पार्ट पर हील करेंगे तो उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। मतलब कैसे ठीक हो जाता है ये रेकी एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी हमें हील कैसे करती है, इसको सीधा सा समझने का एक तरीका है कि प्योर एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर डाली जाती है, इम्प्योर एनर्जी क्लींज हो जाती है।
तो इमोशनल लेवल पर जो गुस्सा, शांति, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ये सब हमारे इमोशनल लेवल पर इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस उस नेगेटिव एनर्जी के साथ में रिमूव हो जाते हैं। मतलब नेगेटिव एनर्जी हमारे सेल्स में, हमारे माइंड में, हमारे सोल्स में, हमारी ऑरा में, हमारे चक्रा में पढ़ते रहते हैं, एंटर करते रहते हैं, एंट्री होती रहती है कंटिन्यू। इसकी क्लिंजिंग जब हम रेकी एनर्जी डालते हैं तो क्लिंजिंग हो गई, वो नेगेटिव एनर्जी जिसके साथ इमोशनल इश्यूज होते हैं जैसे चिंता, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, उलझन, बेचैनी, अशांति, गुस्सा, ये सब बातें होती हैं, वो सब उसी के साथ में रिमूव हो जाती हैं। अब थॉट्स हमारे क्लींज हो गए, प्योर हो गए, पावरफुल हो गए। अब हम अफर्मेशन देंगे कि मेरे विचार पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक सोचता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं महान हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हमेशा उत्साह में रहता हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, अपने आप में विश्वास करता हूँ, एनर्जी में विश्वास करता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे रिश्ते अच्छे हैं। इस तरह के जब आप अफर्मेशन देते हैं और रेकी दे रहे होते हैं, रेकी देने के साथ साथ में एनर्जी डालने के साथ साथ में हीलिंग करने के साथ साथ में 24 पॉइंट्स पे हील करने के साथ साथ में, तो वो जो प्योर एनर्जी होती है वो आपके ऑरा में, आपके बॉडी के अंदर जा रही है, चक्रों को क्लींज कर रही है, और साथ साथ में जो आप थॉट्स यानी कि बोल रहे हैं, अपने शब्द बोल रहे हैं, आपके शब्द मंत्र होते हैं, हर शब्द पॉजिटिव बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए बोल रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं आप, यानी कि हार्ट चक्रा पे हाथ रख के बोले मेरा हार्ट चक्रा एक्टिवेट है, चार्ज है, बैलेंस है, मेरा हार्ट बहुत अच्छी तरह से काम करता है, मैं अपने हार्ट से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा हार्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत पावरफुल है, और इसमें बहुत ही हिम्मत है, साहस है, धैर्य है। तो जब आप अपने हार्ट के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आपका हार्ट एक्टिवेट होगा और पावरफुल होगा और उसकी शक्तियां जागृत होगी, हार्ट चक्रा की शक्तियां एक्टिवेट होंगी और आप और ज्यादा विश्वास में आ जाएंगे और ज्यादा आपकी शक्ति बढ़ जाएगी और ज्यादा हिम्मत बढ़ जाएगी। किसी भी काम को करेंगे आप हिम्मत के साथ करेंगे, डर भय चिंता हट जाएगी। तो इस तरह से आपने रेकी भी देना शुरू किया, साथ साथ में अफर्मेशन भी देना शुरू किया, फिर देखिए एनर्जी आपको क्लियर फील होगी, आप एनर्जी को समझ पाएंगे, एनर्जी को जान पाएंगे, एनर्जी को देख पाएंगे, एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। जैसे कि एनर्जी को आपने महसूस किया, आपके हाथों में चुंबकीय एनर्जी निकल रही है, चुंबकीय पावर निकल रही है, आप आगे पीछे करेंगे, अब इसमें खिंचाव हो रहा है, अब इस एनर्जी को ऐसे और थोड़ा सा इसको मिला दीजिए, जो एनर्जी आपके उंगलियों से निकल रही है, चक्रा से निकल रही है, पाम से निकल रही है, उसको आपने ऐसे घुमा दिया और घुमा के मिक्स कर दिया, और फिर खींचेंगे तो और ज्यादा इसके अंदर पावर जनरेट हो जाएगी। आप इस पूरे सेशन को वीडियो को देखते समय ये सेशन कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। और दूसरे और भी तरीके हैं एनर्जी को देखने का, आप अपनी ऑरा देख सकते हैं, आप अपनी एनर्जी देख सकते हैं, पेड़ पौधों की ऑरा देख सकते हैं, पेड़ पौधों की एनर्जी देख सकते हैं, और भी दूसरी चीजों के माध्यम से आप एनर्जी को जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आस्था, विश्वास, नजरिया। आप अपने आप से जुड़िए, अपने सेल्फ कॉन्शियस से जुड़िए, फिर देखिए सेल्फ हीलिंग कैसे होती चली जाएगी। पता है क्यों आपके साथ में ऐसा नहीं होता है, आपके साथ में प्रॉब्लम क्यों रहती है, आप डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, बीमार क्यों चले हो जाते हैं, आप गरीब क्यों बन जाते हैं, आप बहुत परेशान क्यों हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, दिन रात बेचैन क्यों रहते हैं? इसका एक ही रीजन है कि आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी सोच दूसरों के ऊपर रहती है। मतलब दूसरों के ऊपर से मतलब ये है कि आपके कपड़ों के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके खाने पीने की चीजों के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, अपने भाई बहन माता पिता के ऊपर, दूसरों के ऊपर, उनकी बातें सुनते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, उनकी बातें करते हैं, उन्हीं पर ध्यान आपका रहता है। इसलिए कभी भी आप अपने सेल्फ से जुड़ी नहीं पाते हैं। जब आप सेल्फ से नहीं जुड़ पाएंगे तो सेल्फ हीलिंग कैसे होगी? यानी कि सेल्फ से जुड़ेंगे तभी यूनिवर्स से जुड़ेंगे, सेल्फ से नहीं जुड़ेंगे तो आप किसी से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए आप गरीब रहेंगे, अभाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, उलझाव में रहेंगे, प्रॉब्लम आपकी बढ़ती रहेगी, गरीबी 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 गरीबी, आप बिल्कुल ही भिखारी जैसी स्थिति जिंदगी जी रहे होंगे। सब कुछ होते हुए भी आप भिखारी बन जाएंगे, यानी कि आपके पास अगर धन दौलत है तब भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपके पास अच्छा शरीर है तब भी आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपके पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं आप जान ही नहीं पाएंगे, और सुख क्या होता है आप जान ही नहीं पाएंगे, दुख को ही अपना सुख मान लेंगे और बोलेंगे कि भगवान जैसा करेगा वैसा करना पड़ेगा, भगवान की मर्जी के आगे क्या चलता है, भगवान को मुझे बीमार रखना है तो मैं बीमार रहूंगा, भगवान को मुझे गरीब रखना है तो मैं गरीब रहूंगा, भगवान को मुझे परेशान करना है, प्रॉब्लम में रखना है, दुख चिंता में रखना है तो मैं रहूंगा। पता है क्या, ये हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार ऐसा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वही तो हो रहा है हमारे साथ। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए,
फील कीजिए एनर्जी को और देखिए एनर्जी कैसे आपको हील करती है और आपकी जिंदगी में वो सब कुछ लेकर आती है जो आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं, विचारों से चाहते हैं, तभी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। तो फील कीजिए एनर्जी को। अगली वीडियोस में मैं आपको और भी बताऊंगा कि पेड़ पौधों की ऑरा कैसे देखते हैं और जानवरों की ऑरा कैसे देखते हैं, उनकी एनर्जी आप अपनी ऑरा कैसे देख सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर अपनी खुद की ऑरा, खुद की एनर्जी, व्हाइट ब्राइट लाइट को कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीजें सीक्रेट है, हीलिंग एनर्जी है, इनसे जुड़िए। आप क्यों भाग रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जगह जगह दौड़ रहे हैं आप, रिजल्ट क्या आ रहा है, शाम को कुछ नहीं, खाली खाली, दर्द दर्द, चिंता चिंता, उलझन उलझन, बेचैनी बेचैनी, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं आप। सॉरी, ये सब मत कीजिए। अपने आप से जुड़िए और अपने आप से जुड़ने के लिए रेकी से जुड़िए, एंजल से जुड़िए, एनर्जी से जुड़िए, सेल्फ से जुड़िए, फिर देखिए कचरा सब निकल जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी, आप सोल कॉन्शियस के रूप में आप जागृत हो जाएंगे, आपकी शक्तियां जागृत होंगी। जब आपकी शक्तियां जागृत होंगी तो आपके पास सब कुछ आएगा, सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं, दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर, बिना भागे बिना दौड़े एक जगह पर सब कुछ आपको मिलने वाली है। थैंक यू दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछिए और व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए।